हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारी करंट अफेयर सीरीज की फर्स्ट वीडियो है और वीडियो में साथ आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसे ही न्यूज रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सेतु बंधन स्कीम। द यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सेट दैट The Setu Bandhan scheme approval has been granted for 7 bridges project in Arunachal Pradesh under the Central Road and Infrastructure Fund. इस फंड के अंदर अरुणाचल प्रदेश में 7 bridges का approval हुआ है। ये initiative Ministry of Road Transport and Highways के अंदर में आता है। इसका main aim है interstate connectivity को improve करना, especially rural areas में। इसका aim है railway line crossings के ऊपर, जैसे जो रेलवे लाइन क्रॉसिंग्स होती हैं उसके ऊपर ओवर द ब्रिज एंड अंडर ब्रिजेस बनवाना। ये जो सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये एस्टेब्लिश हुआ था 2000 में अंडर सेंट्रल रोड फंड एक्ट 2000 के अंडर में ये फंड बना था। पहले इसको बोला जाता था सेंट्रल रोड फंड। फिर ये सब्जेक्ट मैटर जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। द फंड कंसिस्ट ऑफ सेस। जो सेस होता है, जो इसका जो फंड के लिए मनी कलेक्ट होता है वो सेस से कलेक्ट होता है। कौन सी? एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल से जो भी एक्साइज ड्यूटीज मिलती हैं उसके सेस पे ये फंड बनता है। सेंट्रल रोड फंड एक्ट 2000 को एक बार अमेंड भी किया जा चुका है 2018 में। और उसके इसके इस फंड के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सेस under CRIF to finance other infrastructure projects such as waterways, some proportion of railway infrastructure and even social infrastructure including education institution and medical colleges. तो ये जो ये fund है CRIF fund, इसके और भी objectives हैं, जैसे कि waterways में ये use हो सकता है, railway infrastructure में use हो सकता है और social infrastructure including education institution and medical colleges. बफ ब्रेस्टेड सैंडपाइपर रेयर बर्ड साइटेड। ये एक बर्ड है जो कि एक रेयर बर्ड है। वो कहाँ पे मिली है? कन्नूर ऑफ केरला में मिली है। इसका ये वन ऑफ द मोस्ट डेलिकेटेड ब्यूटिफुल ऑफ द शोर बर्ड्स। जो शोर बर्ड्स होती हैं उसमें बहुत डेलिकेट और बहुत ब्यूटिफुल बर्ड है। इसकी मेन ब्रीडिंग कहाँ पे होती है? नॉर्थ अमेरिका में। यूजली विंटर्स में होती है इसकी ब्रीडिंग। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेंट बर्ड्स हैं। हाई आर्कटिक ड्राई टुंड्रा में पाई जाती हैं। नेस्टिंग ग्राउंड्स हैं इनका। माइग्रेंट्स हैं, ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। कहाँ पे माइग्रेट करती हैं? ग्रासलैंड्स ऑफ ब्राजील, अर्जेंटीना, अरुगे एंड पराग्वे में मिलती हैं। आईसीएन के अंदर ये नियर थ्रेटेंड लिस्ट में आती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये माउंट वेस्यूवियस है। ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। बे ऑफ नेपल्स में पाया जाता है। ऑन द प्लेन्स ऑफ कैम्पानिया, सदर्न इटली के कैम्पानिया में माउंट वेसुवियस पाया जाता है जो कि एक एक्टिव वॉल्केनो है। ये मेनलैंड ऑफ यूरोप में है। इस ये जो जो वॉल्केनो है ये कैसे इरप्शन, इसका पायरोप्लास्टिक फ्लो से इसका इरप्शन हुआ है। ये हाईली डेंसिटी इसकी काफी ज्यादा है। हॉट लावा ब्लॉक्स होते हैं, फ्यूमिक होता है, एशेस होते हैं एंड वॉल्केनिक गैसेस इरप्शन इसके अंदर से होता है। इसमें जो बहुत फेमस इसका इरप्शन हुआ था वो 79 AD में हुआ था, जिसने रोमन सिटीज ऑफ पॉम्पी एंड हर्कुलिन को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था जब इसका इरप्शन हुआ था। और ये सबडक्शन से फॉर्म हुआ है। इसका फॉर्मेशन एक सबडक्शन जोन है, कन्वर्जेंस ऑफ अफ्रीकन एंड यूरेशियन प्लेट का जब कन्वर्जन हुआ तब इसके सबडक्शन जो प्लेट्स सबडक्ट हुई उन सबडक्शन से ये वॉल्केनो फॉर्म होता है। अब ये लोअर पार्ट ऑफ द सबडक्टिंग स्लैब हैज टर्नड डिटैच फ्रॉम द अपर पार्ट टू फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड स्लैब विंडो। इसने जो लोअर पार्ट था सबडक्टिंग स्लैब का उसको डिटैच कर दिया अपर पार्ट से, तो उस स्लैब को हम बोलते हैं स्लैब विंडो। एंड इट इज हाईली डिफरेंट केमिकली फॉर्म द रॉक दैट इरप्टेड फ्रॉम द अदर कैंपेन। ये थोड़ा सा डिफरेंट है अदर माउंटेन से।
INS व्यास. अब INS व्यास के बारे में क्या है, द डिफेंस मिनिस्ट्री रिसेंटली साइंड अ 313 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विद कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड फॉर द मिड लाइफ अपग्रेड एंड रीपावरिंग ऑफ द फ्रंट लाइन फ्रिजेस फ्रिगेट INS व्यास के बारे में. इट इज ये फर्स्ट ब्रह्मपुत्र क्लास फ्रिगेट है जो रीपावर्ड हो रहा है फ्रॉम स्टीम टू डीजल प्रोपल्शन. इसका रीफ्रिगेशन हो रहा है, रीपावर्ड किया जा रहा है. पहले ये स्टीम था, स्टीम से चलता था, अब ये डीजल प्रोपल्शन से चलेगा. इसका मिड लाइफ अपग्रेडेशन हो रहा है. ये एक्टिव फ्लीट ऑफ इंडियन नेवी है, मॉडर्नाइज वेपन सूट्स एंड अपडेट कॉम्बैट कैपेबिलिटीज. ब्रह्मपुत्र क्लास फ्रिगेट का है. ये कहाँ पे बना था, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में ये बना है. कमीशन हुआ था 11 जुलाई 2005 को. ये सेकेंड शिप है ऐसी इंडियन नेवी की टू बियर द नेम. इस नेम की सेकेंड शिप है ये. पहली थी लेपर्ड क्लास फ्रिगेट, कमीशन हुई थी जो 1960 में, और इसको उसको तोड़ा गया था, स्क्रैप किया गया था 1992 में. ये बहुत ज्यादा वर्सेटाइल वॉरशिप कैपेबल शिप है जो कि एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी सबमरीन, एंटी शिप वॉरफेयर में काम आती है. इट इज ऑल्सो यूज फॉर पेट्रोलिंग सर्वेलेंस एंड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू इंडियन मरीन टाइम्स को. ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है. इसका डिजाइन और कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप आर एंटायरली इंडियन, यानी ये इंडिजिनस है, हम ये भी कह सकते हैं. मॉडिफिकेशन गोदावरी क्लास फ्रिगेट, ठीक है. उसके बाद द डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट है 3850 टन. द शिप्स लेंथ है 126 मीटर्स एंड द बीम विथ 14.5 मीटर्स. Nobium, the Union Cabinet Minister recently approved royalty rates in respect of three critical strategic minerals, namely lithium, niobium and rare earth elements. इसके ऊपर royalty क्या होता है, एक kind of हम कह सकते हैं एक fees है, या fees भी नहीं हम कह सकते हैं, हम एक पे कर रहे हैं. अगर कोई हमसे ले रहा है तो हम रॉयल्टी पे कर रहे हैं, या हम किसी को दे रहे हैं तो हम उसके ऊपर रॉयल्टी किराया हम दे सकते हैं. तो दैट इज रॉयल्टी रेट्स अप्रूव किए हैं तीन चीजों पे, लिथियम, नोबियम, नियोबियम एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे. नियोबियम कैसा है, रेयर है, सॉफ्ट है, मलाइबल है, डक्टाइल है, ग्रे वाइट मेटल है, मतलब बहुत सॉफ्ट मेटल है. हम इसको इसका मलाइबल है, मतलब ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, हम किसी भी तरह में इसको किसी भी सांचे में हम इसको डाल सकते हैं. ग्रे एंड वाइट कलर का मेटल है. बॉडी कैंटर क्यूबिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, इसका क्यूबिक लाइक स्ट्रक्चर है. प्लेस्ड इन अ प्रोटेक्टिव एटमोसफेयर, इसको प्रोटेक्टिव एटमोसफेयर चाहिए रखने के लिए. मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, बहुत हाई ना बहुत ज्यादा लो, बिकॉज इट टेंड्स टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कार्बन, हैलोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. इसको मॉडरेट टेम्परेचर क्यों चाहिए, बिकॉज ये रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन, कार्बन, हैलोजन एंड नाइट्रोजन एंड सल्फर से. नोबियम रेसिस्ट कोरोजन, रेजिस्ट करता है कोरोजन को ड्यू टू ऑक्साइड फिल्म की वजह से, कोरोजन रेजिस्ट करता है. मेटल स्टार्ट टू ऑक्सीडाइज रेपिडली इन एयर एट 200 डिग्री सेल्सियस. ये मेटल ऑक्सीडाइज कब होने लगता है, जब 200 डिग्री सेल्सियस होता है. इनर्ट इज इनर्ट टू एसिड है, ये इनर्ट टू एसिड है. एक्वारेजिया एट रूम टेम्परेचर एंड बट द अटैक बाय हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड स्पेशली बाय एल्किलीज एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. बट क्या होता है, अटैक हो जाता है, बट इसका जो रिएक्शंस है ये एसिड को हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ और एल्किलीज के साथ रिएक्ट कर देता है. फाइव मेजर रिफैक्ट्री मेटल्स में आता है जो हाई रेजिस्टेंस टू हीट एंड बियर होते हैं. प्रॉपर्टी बिकमिंग सुपर कंडक्टर एट लो टेम्परेचर, इसकी प्रॉपर्टी में क्या आता है कि ये लो टेम्परेचर में भी सुपर कंडक्टर मटीरियल हो जाता है. नोबियम एक्सट्रैक्टेड बाय फर्स्ट फॉर्मिंग द ऑक्साइड Nb2O5, ये एक्सट्रैक्ट होता है फर्स्ट फॉर्मिंग ऑक्साइड है नियोबियम का. द ऑक्साइड देन रिड्यूस्ड यूजिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन. फिर उसको जो फर्स्ट जिस फॉर्म में वो पाया जाता है वो ये है Nb2O5, और फिर उसको रिड्यूस करके हम कार्बन एंड हाइड्रोजन
के ऑक्साइड्स को हटा के प्योर फॉर्म में उसको लाते हैं। मेजर प्रोड्यूसर क्या है? नियोबियम का ब्राजील है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ब्राजील इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सप्लायर विद कनाडा अ डिस्टेंट सेकंड। कनाडा सेकंड पैटर्न है, ब्राजील फर्स्ट पैटर्न है। अब इंडियाज डेक्लेरेशन, सेल्फ डेक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा। हाईली पैथोजेनिक, अब दिस न्यूज में क्या है, द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ हैज अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा इन स्पेसिफिक पोल्ट्री कंपार्टमेंट्स। इंडिया को यहाँ पे अप्रेस किया गया है फॉर मेंटेनिंग द गुड हाई एनिमल हेल्थ एंड बायो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। में इंडिया ने क्या किया है, कंपार्टमेंटलाइजेशन किया है, जितने भी एनिमल्स और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं उन सबका कंपार्टमेंटलाइजेशन किया है। और ये एक अच्छी चीज है बिकॉज रिस्क ऑफ डिजीज आउटब्रेक जो होता है वो कम हो जाता है इससे, कि अगर कंपार्टमेंट्स में है तो अगर कुछ को हुआ है तो वो उन्हीं कुछ एनिमल्स, कुछ पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में ही लिमिटेड रहेगा, सब जगह नहीं फैलेगा। एंड इसीलिए इंडिया को फेस किया गया है। देन इंडिया वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ एग्स एंड पोल्ट्री मीट ग्लोबली इज पॉइज्ड टू कैपिटलाइज ऑन दिस अचीवमेंट, पोटेंशियली ओपनिंग अप द न्यू अपॉर्चुनिटी इन द ग्लोबल मार्केट। देन UN approved multinational security mission in Haiti. इसमें इंडिया का इतना स्टेक नहीं है इसलिए हम इसमें ज्यादा ड्वेल नहीं करेंगे, हमें सिर्फ जानना चाहिए तो हम इसको सिर्फ पढ़ लेंगे, बहुत डीप नॉलेज इसकी नहीं लेंगे बिकॉज इसमें इंडिया उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज अप्रूव द मल्टी नेशनल सिक्योरिटी मिशन लेड बाई केनिया टू रिस्टोर सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंट्रोल स्पायरलिंग वायलेंस इन हाइटी। अपना चंद्रयान वेब पोर्टल, नाउ दिस इज अपना चंद्रयान वेब पोर्टल, जो कि द यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अनवील किया ये वेब पोर्टल जिसका नाम है अपना चंद्रयान। ये डेवलप किया गया है NCERT, दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और ये किस लिए है, मिशन फॉर चंद्रयान 3, सपोर्ट मटेरियल्स रिलेटेड टू मिशन फॉर चंद्रयान 3। ये सेरेमनी हुई थी न्यू दिल्ली में। एक वेब पोर्टल है, इसमें क्विजेस हैं, कलरिंग बुक्स हैं, जिग्सॉ पजल्स एक्सेट्रा, ये सारी जितनी लर्निंग स्कीम मतलब लर्निंग टेक्निक्स होती हैं वो सब उसमें है। और एक काइंड ऑफ ऐप है जिसके थ्रू बच्चे जान सकते हैं डिफरेंट चीजें, लर्निंग प्रोसेसेस। ये है फाउंडेशनल एंड प्रिपरेटरी लेवल ऑफ स्कूलिंग के लिए है। मटेरियल्स क्या क्या होंगे इसमें, कलरिंग शीट्स होगी, डॉट टू डॉट एक्टिविटीज होंगी, कलर कोडिंग होगी विद इंस्ट्रक्शंस हैव बीन प्रिपेयर्ड टू एनहांस एंड अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट। छोटे बच्चों के लिए होता है, फाउंडेशनल प्रिपरेटरी लेवल्स के लिए ये वेब पोर्टल है। इंटरैक्टिव सेशन क्विजेस होंगे प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी लेवल के लिए, कंप्लीट विद एक्सप्लेनेटरी फीडबैक्स भी होंगे। और डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिलेगा, स्कोर्स जिनके 70% अबव आएंगे उनको डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिलेगा। नाउ द बिग न्यूज ऑफ टुडे इज द सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिजेस। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का क्या से था, द 5 जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लेड बाय Chief Justice of India Mr. D.Y. Chandrachud issued an unanimous verdict declining to recognize same-sex marriages and civil union for non-heterosexual couples. जितनी भी ये 5 जज बेंच हुई थी जिसमें से हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी वन ऑफ दोस थे, इन्होंने agree kiya that there is no fundamental right to marry under the Indian Constitution. Indian Constitution में fundamental right के अंदर राइट टू मैरी नहीं आता है, ये इंटरप्रिटेशन है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर टू अलाउ सेम सेक्स मैरिज यूजिंग जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज वाज डीम अनफीजिबल। द जजमेंट डिड नॉट रिकॉग्नाइज, जजमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया सेम सेक्स मैरिज और सिविल यूनियंस, बट उन्होंने क्या एक्नॉलेज किया, एक्नॉलेज राइट टू चूज पार्टनर्स एंड लिव इन रिलेशनशिप्स। Right to choose partner and live in relationship can be like it is acceptable, but
सेम सेक्स मैरिजेस को अभी रिकॉग्निशन नहीं मिला है. द कोर्ट एम्फसाइजेस दैट फैमिली लॉ डिस्प्रोपोर्शनेटली एक्सक्लूड द क्वीर कम्युनिटी. जो फैमिली लॉज है हमारे इंडिया में, जो फैमिली लॉज चलते हैं, वो क्वीर कम्युनिटी को एक्सक्लूड करते हैं. द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लीगल रिफॉर्म्स एंड इंक्लूसिविटी इन फैमिली लॉ वॉज प्लेस्ड ऑन द लेजिस्लेचर. इंक्लूजन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगल रिफॉर्म्स होने चाहिए, बट अभी इसको रिकॉग्निशन नहीं मिला है. दिस इज द मेन कंक्लूजन. अब थर्ड एडिशन ऑफ ग्लोबल मरीन इंडिया सबमिट 2023 हुआ. ये कहाँ पे हुआ? मुंबई में इसको होस्ट किया गया. इट रिकॉग्नाइजेस एज द लार्जेस्ट मरीन टाइम गैदरिंग इन द कंट्री. लार्जेस्ट मरीन टाइम गैदरिंग हुई है. इनॉग्रेट किया किसने किया था? इनॉग्रेट हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था. डिस्कसिंग द इवोल्यूशन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ पोर्ट्स इन मरीन टाइम. इसमें क्या हुआ? इवोल्यूशन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में डिस्कस किया गया मरीन टाइम इंडस्ट्री के बारे में. सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रैटेजी फॉर रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन. कार्बन एमिशन को कम करने के लिए मरीन टाइम सेक्टर में सस्टेनेबल प्रैक्टिस और उनकी स्ट्रैटेजीज को अपनाने की बातें हुई हैं. सिग्निफिकेंस फॉर एफिशिएंट कोस्टल एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन. एफिशिएंट कोस्टल एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बात हुई. एंड एग्जामिनिंग इंडियाज रोल इन शिप बिल्डिंग. इंडिया का क्या स्टैंड है, क्या रोल है शिप बिल्डिंग में. एंड इट्स एस्पिरेशन टू बिकम टॉप शिप बिल्डिंग नेशन इन द कंट्री कमिंग डिकेड. कमिंग डिकेड में एक हम एस्पायर कर रहे हैं कि टॉप शिप बिल्डिंग नेशन में आए. अब अपार वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी. अपार क्या है? द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैज रिसेंटली एडवाइज ऑल स्टेट टू इम्प्लीमेंट द ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री ऑल्सो नोन एज वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी. अपार का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री ऑल्सो नोन एज वन नेशन एंड वन स्टूडेंट आईडी. इसमें क्या होगा? टीचर्स, स्टूडेंट्स, ये सारे सब अपना स्टूडेंट्स अपने सारे जितने भी उनके अचीवमेंट्स हैं वो एक एडू लॉकर नाम का एक ऐप होगा, उसमें आएंगे. जैसे हम डिजी लॉकर यूज करते हैं और भी डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स यूज करते हैं जिसमें सारे इंफॉर्मेशन होती हैं. तो ये आधार की तरह स्टूडेंट्स का एक आधार होगा जिसमें उनके सारे अचीवमेंट्स होंगे. 10, 12 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे अचीवमेंट्स उसमें नोटेड रहेंगे. द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल इकोसिस्टम रजिस्ट्री दैट इंक्लूड्स. इसमें कौन कौन इंक्लूड होगा? स्टूडेंट, टीचर्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ये सब इसमें रजिस्टर्ड होंगे. अपार प्रोवाइड स्टूडेंट फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन विद अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा. एक प्री प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक सबका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा एग्जिस्टिंग विद आधार आइडेंटिटी. इट एम्स टू स्ट्रीमलाइन एंड डिजिटलाइज एकेडमिक जर्नी एंड अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट. आज के हमारे करंट अफेयर्स में इतना ही था. हम फिर मिलते हैं कल. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.